रूपा जी, दर्शक जुड़े हुए हैं महेंद्र सिंह पवार जी, जिनका सवाल लहसुन को लेकर आ रहा है। इनका सवाल है कि क्या इस साल लहसुन का भाव आगे अच्छा आ सकता है या नहीं? देखिए, अभी तक जो सिनेरियो है उसके हिसाब से तो फिलहाल नहीं लगता कि कोई लहसुन में तेजी बनती हुई आगे दिखाई देगी। जी, तो यानी कि जिस हिसाब से अभी स्थितियां बनती नजर आ रही हैं लहसुन को लेकर, कि लहसुन की आवकें जोरदार बनी हुई हैं मंडियों के अंदर, हालांकि बारिश भी बनती नज़र आई है, बारिश भी होती नज़र आई है, जिसकी वजह से लहसुन का जो लहसुन की जो फसल है उस पर भी थोड़ा प्रभाव पड़ा है, लहसुन की फसल भी ख़राब हुई है। दूसरा, किसानों ने जो अपना लहसुन स्टॉक कर रखा था उसमें भी थोड़ी थोड़ी नमी आ सकती है, वो भी थोड़ा सड़ सकता है, गल सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि मंडियों में जो आवकें हैं लहसुन की थोड़ी कम हो जाए। और जैसे भी बारिश है तो बारिश में भी हो सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन की वजह से लहसुन की थोड़ी मंडियों में कमी देखने को मिले, लेकिन ज़रूरी नहीं कि कमी ही देखने को मिले, ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो हो सकता है कि लहसुन में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की तेज़ी बन जाए, छुटमुट तेज़ी बन जाए, लेकिन बड़ी तेज़ी अभी लहसुन में बनती दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि इस समय इस बार लहसुन का जो प्रोडक्शन है वो अच्छा बताया, क्योंकि इस बार लहसुन का उत्पादन अच्छा देखने को मिला है और किसानों ने भी अच्छी कीमतों के चलते अपने लहसुन को स्टॉक करके रख लिया था। लेकिन अब जब कीमत नहीं मिल रही है तो किसान अपना अचानक से लहसुन ले लेकर आ रहे हैं, जिसकी वजह से मंडियों में आवकें जोर पकड़ी हुई हैं और अब नया लहसुन भी मंडियों में आ चुका है, जिसकी वजह से जो दाम है वो अभी कम देखने को मिल रहे हैं।